अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे अंडे के लुखमिया। बिना आटा गूंदे हम इंस्टेंटली बनने वाले ये अंडे के लुखमिया बनाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें होना हम देख लेंगे और बनाना शुरू करेंगे। अंडों को उबाल के कट करके ले ली मैं। अब हम इस पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इस पर चाट मसाला डाल देंगे। अच्छे से पूरे अंडों पे हम मिर्च पाउडर और चाट मसाला डाल देंगे। देखिए रेडी हो गया। अब हम आटे का घोल बना लेंगे। 2 स्पून मैदा ले ली मैं। अब हम इसमें पानी ऐड करके मिला लेंगे। लम्स नरेसर का मिक्स कर लेना। अब हम ये जो स्वीट्स के समोसा शीट्स हैं वो ले लेंगे। इसकी वजह से रमज़ान में बहुत आसानी हो जाती, अपने को आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं रहती, बेलने की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत आसानी से अच्छे और मज़ेदार समोसे और लुखमे, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं इससे। तो ये शीट्स को निकाल लेंगे हम। जो आटे का घोलता इसमें स्प्रेड कर लेंगे। जो दूसरी शीट्स है एक्स टाइप का बना लेंगे हम इस पर। अब हम इसके बीच में अंडा डाल देंगे। बहुत इजी है ये और बहुत जल्दी भी बन जाता, स्पेशली रमज़ान में बहुत टाइम सेव करता है। ये कॉर्नरों पे भी हम आटे को लगा के पैक कर लेंगे। अच्छे से पूरे चारों साइड पे आटा लगाते हुए पैक कर लेंगे। इस तरह से बर्फी लुखमी बनती, ये भी इसी तरह से रेडी होती बनके, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से थोड़ा सॉफ्ट। एक बार ट्राई कीजिए आप भी इफ्तार टाइम में। ये देखिए इस तरह से कर ली मैं, रेडी हो गया। अब मैं आपको गिरदे के ऊपर रख के भी बताऊंगी, या तो आप गिरदे पे रख के करिए या फिर किसी भी बर्तन पे भी रख के करिए। इस तरह से और आसानी से बन जाता। अंडा रख देंगे बीच में।
फोल्ड करते जाना अंडों अंडे को, हम सिर्फ फोल्ड करने का काम है इसका, दूसरा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी रेसिपी है ये और टेस्टी भी स्नैक बनता है। सिर्फ रमज़ान में बोल के नहीं, आप खाली टाइम भी बना के खाइए इसको, बहुत अच्छा दिखता। इसकी जगह आप चिकन वगैरह को भी फिल करके भी बना सकते। अच्छा, आटे को लगाते हुए पूरा पैक कर लेंगे। आप चाहे तो इसको जिपलॉक कवर में स्टोर करके भी रख सकते हैं, इस तरह से बना लेके जब भी इफ्तार का टाइम होता आप निकालिए, तेल में डाल के तल लीजिए और आसे नहीं होती इस तरह से भी करने से। इसी तरह से पूरे बना के रख लेंगे हम। अब हम कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लेंगे डीप फ्राई के लिए। ये देखिए मैं रेडी करके रख ली, तेल गरम हो गया। अब हम तेल में एक एक करते हुए लखनी को डाल देंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको तलने के लिए, झटपट बन जाता है ये। पलटाते हुए हम तल लेंगे। रेडी हो गए लखनी, निकाल लेंगे हम इसको। अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। पलट लेंगे। अपने को रमज़ान में झटपट बनने वाली रेसिपीज होने का रहता तो उनमें से चाहिए एक रेसिपी है। रेडी हो गए देखो ये भी, इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए स्विफ्ट्स डफ शीट के अंडे की लखनियाँ बन के रेडी हो गए। तो ये थी आज की रेसिपी अंडे के लखनियाँ, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं ये देखिए, और बहुत मज़े के भी दिखते हैं। सिर्फ इस पर मिर्च और चाट मसाला डालने से टेस्ट अच्छा आता। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।